नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को हुआ एक महीना पूरा, अब तक 12,36,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। कई बार बर्फबारी भी हुई, लेकिन यात्रा पर नहीं पड़ा प्रभाव। देहरादून में फैक्ट्री में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया अरेस्ट, करीब 6,00,000 रुपए का माल भी जब्त। ट्रेन में चोरी की वारदात को रोकने के लिए अभियान, लक्सर में चोरी के 4 मोबाइल के साथ शातिर अरेस्ट, जीआरपी टीम ने की कार्रवाई। देहरादून में जुआ खेलने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया अरेस्ट, कब्जे से 2,38,000 रुपए बरामद। और अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर हल्द्वानी विधायक ने उठाए सवाल, कहा कानून बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन क्या गरीब के साथ अत्याचार होना सही। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा को एक महीने का समय पूरा हो गया है, अब तक 12,36,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम दर्शन कर चुके हैं। कपाट खुलने के बाद कई दिनों तक चारधामों में बर्फबारी होती रही, लेकिन यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 4,27,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे, 3,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे, और यमुनोत्री में 2,53,000 और गंगोत्री में 2,29,000 भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। G20 की अगली बैठक में 25 से 27 मई ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी ने कहा कि पहली बैठक रामनगर में आयोजित की जा रही है, अब आगे की बैठकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 के बैठकें हमको यहां पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीजें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए और अपनी पहचान को और समृद्ध बनाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यात्रा शुरू हुए अभी एक माह का वक्त ही हुआ है और भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन के लिए आएंगे और एक रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि चूंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। एक माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है,
तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे, इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरी बावनदरा के पास में देर रात को महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भेजा, जहां उपचार के दौरान उस महिला की मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने पुलिस को बयान दिया था और बताया था कि किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से उस पर हमला किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामनगर शहर और आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों में अलावा ग्राम में रहने वाले लोगों को हटाया जाएगा। कई विभागों में मकान खाली करने के नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। विभागों का कहना है कि सभी लोग सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। वहीं इस फैसले के खिलाफ लगातार धरना भी दे रहे हैं। सोमवार को रामनगर के सिंचाई विभाग कार्यालय पर कई जनप्रतिनिधियों ने धरना दिया। शहर में हमने जनाक्रोश रैली निकाली। हम इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा तुगलकी फरमान रामनगर के अंदर जारी किया गया है और बरसों से 50-50, 60-60 सालों से लोग उन मकानों में रह रहे हैं, चाहे वो किसी की भी ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन बताकर आप उन्हें अवैध करार दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आंदोलन किया है। आज हमने कल हमने DFO कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, आज हमने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि सिंचाई विभाग की बहुत सारी जमीन, उनका कहना है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको नोटिस दिए जा चुके हैं और तोड़ने का काम बहुत जल्द ये कर। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। ये बैठक प्रदेश के अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने बुलाई थी। इस बैठक में जमीनों से जुड़े सभी विभागों के HOD मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही के साथ राज्य में अवैध अतिक्रमण के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी पराग मधुकर भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में कहा कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहां पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी, जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं। रुड़की में किसान कामगार मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने आचार्य लोकेश शास्त्री का स्वागत किया, साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोकेश शास्त्री ने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, जो गरीब बच्चों की शिक्षा करने के लिए उनकी शिक्षा का भार लोकेश शास्त्री ने वहन किया। ये मेरे आवास पर लोकेश शास्त्री जी गुरु जी आए, इनका मैं आशीर्वाद लिया, इनका मैंने सम्मान किया। ये भी एक समाज सेवी हैं, ये एक इन्होंने गुरुकुल चला रखा है, उसमें एक अच्छी शिक्षा देते हैं और जो बच्चे वैसे हैं जिनको फीस नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, उनका सबका खर्चा उठाते हैं, उसका कार्य करते हैं। मैं जो अच्छे समाज में मीडिया, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन और जो मल्या जो भी आए, किसी धर्म के धर्म गुरु जितने भी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका मैं सम्मान करता हूँ जो समाज के लिए कार्य करते हैं। आज बहुत दिन बाद नंबरदार श्री सुभाष चौधरी जी के कहने पर आज इनके आवास पर आया हूँ और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ पर स्वागत सत्कार किया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं आप और हर हमेशा किसानों की और भक्ति योग मार्ग पर सनातन धर्म के लिए जो अनन्य अनन्य जगहों पर जाकर के जो कार्य करते हैं, तहे दिल से मैं सुभाष चौधरी जी का बहुत आभार और अभिवादन और आशीर्वाद देता हूं कि भगवती माँ पीताम्बरा की अनंत कृपा इनके ऊपर बनी रहे। लालकुआ के निकटवर्ती क्षेत्र पंत नगर में दवाई फार्म के पास में नेशनल हाईवे पर स्थित एक मजार और एक मंदिर के साथ ही एक शिवलिंग पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया और थोड़ी देर में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। इस दौरान वन विभाग के अलावा
नेशनल हाईवे के अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं रेंजर रूप नारायण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि वन भूमि है जिस पर अतिक्रमण करके मंदिर और मजार का निर्माण किया गया था। उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई और जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा उसे भी वन विभाग समाप्त कर देगा। देखिए, विभाग के आदेश के अनुपालन में पहली बार ये नंगला बाईपास के बाद ये मजार थी और ये मंदिर, दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है। सर, कितने धार्मिक स्थानों को वन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है आपके? नहीं, हमारे पास तो जैसे जो टांडा रेंजेस में दो ही धार्मिक स्थल थे जिनको आज ध्वस्त किया जा रहा है और अतिक्रमण है, इनको हटाया जाएगा। कुछ और भी चिन्हित किया जाएगा? हाँ, कुछ अतिक्रमण क्षेत्र है जिनको चिन्हित किया जाएगा और शीघ्र उनको हटाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से सहयोग दिया जा रहा है पुलिस? देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पन्नगर थाना पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस और PAC के सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। ये NS के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये जो मस्जिद और ये मंदिर है, NS की एरिया हमारा है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी बिना इजाजत के बगैर धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लगभग लाउड स्पीकर बंद हो गया है। मैंने चेता दिया है सभी संप्रदाय के लोगों को, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, या किसी भी संप्रदाय के हों, कि अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा हम उसमें सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की होगी, उसी नीचे कार्रवाई नहीं होगी। और लोग सब संवेदनशील हैं, समझदार हैं, लोगों ने जो है लाउड स्पीकर बजाना लगभग बंद कर दिया है। जो भी इसकी अवहेलना करेगा हम तत्काल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जो जेल जाएगा फिर वो जेल। खबर देहरादून से है। सेला कुई पुलिस ने अंबर फैक्ट्री में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है और उनके कब्जे से करीब 6 लाख रुपए के कीमत के पीतल और तांबे के सामान को जब्त किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है, उनकी आपराधिक हिस्ट्री खंगाल रही है। एक अंबर फैक्ट्री है, उसमें कुछ फैक्ट्री के सामान हैं, आपके तांबे की रॉड है 100 किलो, तांबे के यू बैंड है 50 किलो, पीतल के नट हैं 78.800 kg। तो ये स्टॉक में कम पाया गया, इसकी सूचना उन्होंने थाने में दी और तमाम इसमें लगभग काफ़ी CCTV फुटेज का जानकारी करने के बाद इसमें 6 लोग, एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया, जिसमें देहरादून के, मुजफ्फरनगर के और सहारनपुर के 6 अलग अलग अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें जो सामान चोरी हुआ था उसका मार्केट में कीमत लगभग 6 लाख आंकी गई है। देहरादून में प्रेमनगर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2,38,000 की धनराशि भी बरामद की गई। आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के आडवाणी पुल के पास की झाड़ियों में 7 व्यक्तियों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेला जा रहा था, जिसके बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने जुआ खेलते 7 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही 104 ताश के पत्ते भी बरामद किए हैं। के आधार पर 7 जुआरियों को पकड़ा, उनके पोजेशन से 2,38,070 रुपया बरामद किया गया, ताश के पत्ते हैं और साथ साथ 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस टीम को भी मेरे तरफ से 10,000 के नाम है। खबरों में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है।
रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर GRP पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान रुड़की रेलवे स्टेशन में शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी के 4 मोबाइल बरामद किए। लक्सर GRP थाना अध्यक्ष ममता गोला ने ये जानकारी दी। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में यात्रियों के सामान और फोन चोरियों की घटना को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया था। आरोपी वसीम मुरादाबाद का निवासी है, जिसे पकड़ा गया है। संजय शर्मा, क्योंकि घटनाएं ट्रेनों में, जैसे इस समय गर्मियां हो रही है, लोग दरवाजों पर बैठते हैं तो या सो जाते हैं, तो सुबह सुबह ट्रेन में चोरियों की, फोन चोरी, सामान चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। तो चेकिंग कर रहे थे तो रुड़की रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जब उससे तलाशी ली पकड़ के, तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसमें से 2 फोन रेडमी के हैं, एक वीवो और एक नोकिया का फोन है। इनके संबंध में 3 हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हैं और 1 मोबाइल फोन के संबंध में जांच की जा रही है। काशीपुर में पुलिस ने बीती 15 मई को भावनगर में रोड के पास मिली सेवानिवृत्त वीडियो की पत्नी के पेड़ से लटके मिले शव के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी को न्यायालय के समक्ष में पेश किया है। वहीं हत्याकांड का खुलासा करते हुए SP क्राइम उधम सिंह नगर चंद्रशेखर घोड़के ने SP कार्यालय में किया। आपको बता दें कि काशीपुर में रामनगर रोड स्थित ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी निवासी सेवानिवृत्त BDO चंद्रिका यादव की पत्नी मुन्नी देवी आम के पेड़ में अपनी साड़ी के फंदे से लटकी हुई पाई गई। इसके बाद मृतका के परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पंद्रह मई को लगभग 12 बजे में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भगवंतपुर में आम के बाग में एक महिला का शव मिला है। तो तुरंत काशीपुर थाने की टीम ने वहां पे पहुंच के इसका मौका मुआयना किया और इसमें जो देखा गया कि महिला की मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पेड़ को लटकाकर इसकी हत्या करने का प्रयास, मतलब हत्या की गई है। तो इसमें 16 तारीख को हमें नागेंद्र कुमार यादव, जो महिला के पुत्र थे, उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई। इसमें तुरंत 243/23 FIR संख्या हमने पंजीकृत किया। धारा 302 और 201 में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और इन सभी प्रयासों से हमने जो है अभियुक्त मनोज सिंह, ये जो ग्राम धनोरी प्रतापपुर का रहने वाला है, उम्र लगभग 22 साल है, इसको गिरफ्तार किया है। ये कड़ी मेहनत और काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लोहाघाट में 70 लाख रुपए की लागत से बने नगरपालिका के नए कार्यालय भवन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पालिका के लोहाघाट के पूर्व पंचायत अध्यक्षों और
दिवंगत अध्यक्षों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने नव निर्मित पालिका कार्यालय का शुभारंभ किया। डीएम ने लोगों की हर समस्या का प्राथमिक रूप से दूर करने का आश्वासन भी दिया। इसमें आज जो इनका नया कार्यालय भवन है जो नगर पालिका ने बनवाया है उसका उद्घाटन किया गया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी लेकिन उनको समय नहीं मिला तो आज का मेगा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें अच्छे हॉल्स बने कम्युनिटी की जनता के लिए जहाँ प्रोग्राम्स होंगे और दो बड़े हॉल्स हैं इनका ऑफिस है और मॉडर्न ऑफिस है जो पहले जहाँ से एक सचिवालय टाइप का एक रहता है जो नगर पालिका का एक तरह से मिनी सचिवालय है और यहाँ से इसको अच्छा रखने की जरूरत इसलिए है कि ताकि जो भी इधर जनप्रतिनिधि या कर्मचारी काम करें और जनता मिल रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले। सर्वप्रथम जो यहाँ कार्य हुए हैं ये समस्त जितने भी नगर की प्रभुति धंधा और जितने भी अभी तक के पूर्व चेयरमैन और पूर्व सभासद और वर्तमान सभासद और जो यहाँ की प्रभु बुद्धिजीवी लोग हैं उनके प्रयास से और उनके जो समय समय पर विकास के मामले में काफ़ी चर्चा करते हैं उन्हीं के प्रयास से जो भी निर्माण कार्य और नए कार्यालय भवन बना है इसका उद्घाटन उन्हीं के प्रयास से सफल हुआ है। खबर लालकुआ से है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विधायक सुमित हरदेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, कानून बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन गरीब आदमी के साथ ऐसा अत्याचार होना क्या सही बात है। कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ में है। ठीक है, मैं मानता हूँ रेलवे का एक्सपेंशन और ट्रेनें नहीं अनाउंस हुई हैं लेकिन इस प्रकार से अमानवीय तरीके से आप किसी का घर उजाड़ रहे हैं। इस देश में जो भी नागरिक रहता है भारत माता की जय कहता है और भारत माँ के लालों के साथ अपने बच्चों के साथ ऐसे उन्हें विस्थापित करके बिना कोई उनके लिए ऑल्टरनेट बना के कोई ऐसी व्यवस्था बना के जहाँ पर वो रह सके आपने उन्हें उजाड़ दिया। तो अगर आप बसा नहीं सकते किसी को तो उसे उजाड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियम कानून बहुत महत्वपूर्ण है, विकास महत्वपूर्ण है लेकिन क्या गरीब आदमी के साथ ऐसा अत्याचार होना सही चीज़ है। तो मैं मानवीय दृष्टिकोण से मेरी सद्भावना उन सारे लोगों के साथ है और अवश्य मेरे को लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है हस्तक्षेप करके। जनपद पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग के स्वर्ण जयंती समारोह के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही जिसमें स्कूल छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। विद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह का बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौरी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान होता है, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना चाहिए। इस मौके पर इंटर कॉलेज प्रिया कांसखेत के स्कूली छात्र छात्राओं ने वीरपुरिया नेथानी के जाजिया कर माफ करवाने की कथा के नाटक का भी मंचन किया। आज कलजीखाल विकास खंड के अंतर्गत पुरिया डांग राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग में स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मैं वहां पर अपने क्षेत्र जनता के बीच में गया और वहां पर लोगों ने भव्य स्वागत जैसा उन्होंने स्नेह और प्यार दिखाया मैं उसके लिए अपनी समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर वहां पर जो 50 साल पूरे हुए विद्यालय को इस अवसर पर उन्होंने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम थे जिसमें राजा ने वो जो है जो मुगल शासक था उसने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सौम्य काशी रोटरी क्लब के द्वारा मातृ दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद अपने परिजनों का लालन पालन किया। वहीं समारोह में दूरस्थ गांव से आई बुजुर्ग महिलाओं की कहानी सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू छलक गए। ये सौम्य काशी रोटरी क्लब रोटराक्ट क्लब जो है विगत 5 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है कि मातृ दिवस पर हम विभिन्न माताओं को सम्मानित करते हैं। ऐसी माताएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं और आज जिनको सम्मानित किया गया वो ऐसी महिलाएं हैं जो
खेतों में हल चला रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो रोड़ी तोड़ रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो चीड़ के फूलों के बीजों को एकत्रित करके, और ऐसी महिलाएं हैं जो मशरूम मौका करके अन्य महिलाओं को समाज में प्रेरित कर रही, ऐसे अनुकरणीय कार्य कर रही, उल्लेखनीय कार्य कर रही, जिससे वो इन कार्यों को करने से वो अपने परिवार को तो पाल रही हैं लेकिन साथ ही वो समाज के लिए एक अनुकरणीय कार्य भी कर। मेरे पति जी गुजर गए थे, 28 साल से मैंने अपने बच्चों का खाना पोषण करा। मैंने जो लुआ का धंधा हो रहे थे, जब धान बड़ा बड़ा हो जाते थे लुआ का धंधा लगाया, मैंने हाथ भी लगाया, और बैल में आपने बैलों मेरे बैलों को कोई गाँव में पकड़ नहीं सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खेत में लगाया, और मैं जोड़ना मेरे को आए नहीं, मैंने दोनों दूसरे से जुड़ाया, तब मैंने हल लगाया, और 28 साल मेरे पति जी गुजर गए थे। लक्सर में रेलवे स्टेशन पर पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान रेलवे मेस यूनियन के कार्यकर्ता संजय सालार ने कहा कि वर्ष 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पुरानी पेंशन को समाप्त कर नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया था, जिसका लगातार सभी तरीके से विरोध किया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव के नतीजों से सरकार को सबक लेने का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम और भी घातक हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये हमारा जो संघर्ष है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, और हम लोग नई पेंशन का विरोध करते हैं। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय में ये पुरानी नई पेंशन बहाल की गई थी और पुरानी पेंशन खत्म की गई थी। तो हमारे महामंत्री जी शिवगोपाल मिश्रा जी का एक ये अभियान है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसी तरह से अभियान चलाते रहेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध पार्किंग संचालन का मामला सामने आया है। मसूरी के बुद्धा टेम्पल पर एक होटल संचालक द्वारा सार्वजनिक रोड पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों के साथ मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत द्वारा विरोध किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत ने कहा कि होटल संचालक द्वारा बुद्धा टेम्पल के पास सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित की जा रही है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अवैध वसूली की जा रही है। इसका विरोध करने पर उनके और पार्किंग संचालन के बीच में झड़प हुई और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की लिखित शिकायत मसूरी एसडीएम और मसूरी पुलिस से की गई और सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। देखिए, हम यहाँ के लोकल निवासी हैं और बुद्धा टेम्पल पे हमारा यहाँ बचपन बीत गया है, और आज तक ये देखा जाए तो ये बुद्धा टेम्पल होम्स का है और ये एक पर्यटन स्थल है, पर यहाँ पे निशुल्क पार्किंग है। यहाँ पे कोई भी आए, फोर व्हीलर टू व्हीलर किसी की पार्किंग नहीं ली जा सकती है। आज मैं और मेरा मित्र राहुल रांगर हम यहाँ पे जा रहे थे, तो इनका एक बंदा वहाँ पे पार्किंग काट रहा, तो मेरी नज़र पड़ी उन पे, तो नज़र पड़ी तो हाथ में मैंने ये बुकलेट देखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बुकलेट के बाद इन्होंने जो पिछले एक महीने से ये काटते हुए आ रहे हैं, एक महीने से काटते बाद उसकी डेट भी इनको इन्होंने छुपा दी है अभी, अगर सच होते तो छुपाते नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो इनकी जगह है, मैं आपको अभी इसके बाद आप देख लेना, वो सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पे 6 या 7 बाइक खड़ी हो सकती है। सर, अनुमति की बात बताता हूँ हम। पहली बात तो सर जो है अपनी अपने एरिया के अंदर काट रहे हैं हम, जो भी पार्किंग काट रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारा होटल का रास्ता है वो गाड़ियाँ, टैक्सी की गाड़ियाँ लगती हैं और इसके अलावा बाइक्स लगती हैं, सारा हमारा रास्ता अंदर आने का ब्लॉक हो जाता है। हमने कई बार लोगों को समझाया इस बारे में कि आप यहाँ से ना लगाएं, टैक्सी वालों को भाइयों को भी समझाया बहुत बार कि यहाँ पे अपनी टैक्सी आप ना लगाएं, आगे पीछे लगा लें कहीं। लेकिन सर हमारा जब रास्ता ब्लॉक, हमने देखा कि रास्ता हमारा रोज ब्लॉक हो रहा है, उसके बाद हमने क्या, हमने एक लड़की के नीचे ड्यूटी लगाई जो गाड़ियों को हटाने के लिए था, सबसे पहले कि गाड़ियों को हटाए। क्या हुआ, ये लड़का खड़ा है, आपको मैं अभी लड़के से मिलवा दूंगा, कल की ही बात है बिल्कुल, गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास, इसने टैक्सी वाले को कहा भाई हटा लो यहाँ से ज़रा, टैक्सी वाले ने सीधा इसके थप्पड़ मारा, ठीक है सर, और वो बात हुई। और उसके अलावा हमने फिर क्या करा कि इसका इलाज ये है कि लोगों से जब हम पैसे लोगों को कहेंगे ना कि आप पैसे दो, तो लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।